दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर हुए प्रदर्शन के बाद किसानों ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में लाल किले पर निशान साहिब फहराने के बाद सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें उसने कहा, हमने सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब फहराया है जो कि हमारा लोकतांत्रिक हक है। वहां पर तिरंगा नहीं हटाया गया था। किसान संगठनों का कहना है कि सिद्धू के कहने पर ही प्रदर्शनकारी उग्र होकर लाल किले में दाखिल हुए थे। पहले ही फिल्म एक्टर और गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल ने दीप सिद्धू से अपने रिश्ते ना होने के दावे किए हों, लेकिन ये बात जरूर है कि दीप 2019 के चुनाव में उनके चुनाव प्रभारी थे। किसान संगठनों का दावा है कि सिद्धू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू के लिए गुरदासपुर में जमकर प्रचार किया था। पिछले साल दिसंबर में देओल ने सिद्धू से दूरी बना ली थी, लेकिन बड़ी बात ये है कि सिद्धू और सनी के संबंध ऐसे थे कि सनी उन्हें अपने साथ पीएम मोदी से मिलवाने दिल्ली तक ले गए थे। 28 अप्रैल 2019 को हुई मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ वक्त पहले सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सिद्धू सिंगू बॉर्डर पर किसानों संग खड़े थे। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी से अंग्रेजी में बात करते हुए दिखे थे। इस वीडियो के बाद पंजाब के किसानों की पढ़ाई और उनके स्टेटस को लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई थी। पिछले हफ्ते एनआईए ने सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस मामले की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए समन भेजा था, जो पिछले साल 15 दिसंबर को दर्ज किया गया था। लाल किले की घटना के बाद किसान संगठन अब उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सिद्धू से दूरी बना ली है और इस पर किसानों को लाल किले की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। एसकेएम ने कहा है कि सिद्धू सोमवार रात को एक मंच पर दिखा और भड़काऊ भाषण देकर तोड़फोड़ करने लगा। सिद्धू ने लाल किले की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उसने कहा था कि हमने लाल किले पर निशान साहिब वाला ध्वज फहराया है जो कि हमारा लोकतांत्रिक हक है। वहां पर तिरंगा नहीं हटाया गया था। इस वीडियो को लेकर भी तमाम थ्योरीज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वही दिल्ली के पूरे घटनाक्रम के बाद गुरदासपुर के बीजेपी सांसद सनी देओल ने कहा है कि उनका या उनके परिवार का सनी देओल का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ट्वीट पर कहा, लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। के चार तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टेकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। सो जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए, आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए, बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डायवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग जो यूनिटी इन डायवर्सिटी या हमारे गुरु साहबान या श्री गुरु ग्रंथ साहब से हमने सीखा है, डिफरेंट बट इक्वल। सो डिफरेंट बट इक्वल जो डायवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे, वो एक ऐसा बहाव है। अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-6, 7-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है, जो आज हुआ। सो इसको आइसोलेशन में मत देखिए, ये घटना